जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट देखिए क्योंकि वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करने वाले हैं जीरो सेल प्रॉब्लम की, जो लोगों को मतलब लग रहा है कि हमें फिर से जीरो सेल प्रॉब्लम हो रही है, और इसके अलावा विड्रॉल के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा बहुत से आज की अपडेट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट देखिए और वो भी बिना स्किप किए। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद दानिश, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग MDM। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छे से होगी फ्रेंड्स। तो क्या कुछ है आज के लेटेस्ट अपडेट्स, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं, उन पे हम बात करेंगे। लोगों के क्या कुछ क्वेश्चन रहे आज दिन के, तो उनके उन पे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम लोगों को निकल कर आई आज, वो हम बात करेंगे कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या है। और इसके अलावा विड्रॉल के बारे में भी बात होगी, और जीरो सेल में जो मतलब लोगों ने पूछा है उस पे हम बात करेंगे। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट देखिए, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ, ताकि आपके टीम मेंबर जितने भी हैं उनको जो है एक अपडेट रहे कि क्या चल रहा है AI मार्केटिंग में। और उनको मतलब होता है ना, वो एक टेंशन जैसी हो रही है कि ये क्या पता ये प्रॉब्लम हमारे साथ ही हो रही है, और ये प्रॉब्लम क्यों है क्या है, ताकि उनको भी ये डाउट जो है सबको ये क्लियर हो जाए। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपने इस वीडियो को आगे पहुंचाना, चाहे वो आपकी कोई आपके जितने भी टीम मेंबर हैं, आपके जितने भी ग्रुप हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो उस तक मतलब आपने ये क्या करना है, आपने वीडियो को आगे उन लोगों तक पहुंचाना है। तो जैसे मतलब मेरा काम है कि आपको हर चीज़ से अपडेट करना, जितने भी आपकी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन देना, उसके बाद आपका काम है कि आपने आपके जितने भी टीम मेंबर हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है फ्रेंड्स। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों की तरफ से पूछे गए हैं, उस पर हम बात करेंगे। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे कि हमें जो है ये दिक्कत आ रही है, तो क्या है वो दिक्कत, उस पर हम पहले बात करते हैं। तो लोगों को ये बोल रहे हैं कि हमें जो है जीरो सेल प्रॉब्लम फिर से आ रही है। तो एक्चुअल में जीरो सेल प्रॉब्लम किस किस को आ रही है, ये क्या है, इस पर हम फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ ये मसला क्या है, और ये जीरो सेल प्रॉब्लम है या नहीं है, और किसको है या किसको नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला जब जीरो सेल प्रॉब्लम सबको चल रही थी कि उस टाइम जीरो सेल प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि डाटा अपडेटिंग का काम हो रहा था। और उस टाइम मैंने ये बोला था कि जिस जिसके अकाउंट पर जीरो सेल प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका अकाउंट जो है वो अपडेट हो रहा है, और जिसको अभी तक नहीं आई है जीरो सेल प्रॉब्लम उसको भी आगे आने वाली है कुछ दिनों के अंदर, जिसको अभी तक आई ही नहीं है जीरो सेल प्रॉब्लम, और जिसको आई है मतलब और उसको अगर लग रहा है कि फिर से आई है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि उसको मतलब जीरो सेल प्रॉब्लम अभी फिर से वापस नहीं आने वाली है, जिसका आईडी मतलब अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली फुली तरफ से, तो उसको वापस नहीं आएगा जीरो से। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को मतलब दिखा रहा है एक दो दिन का वो जीरो सेल प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कि मैं जो AI मार्केटिंग को मैसेज किया था आप, मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही दे दिया था उस टाइम, मतलब आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या वहाँ से बोला था कि वेट फॉर डाटा अपडेट, मतलब जो डाटा है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है उनकी आईडी पे, ये नहीं कि अपडेटिंग का काम चल रहा है, जिनकी एक बार अपडेट हो चुकी है वो मतलब उस पर जीरो सेल प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर से, या ये कन्फर्म है अभी। लेकिन क्या है कि अपडेट जो मतलब अपडेट करते हैं वहाँ से अपने सॉफ्टवेयर से, तो मतलब अभी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि विड्रॉल नहीं आ रहा है, तो उनका काम जो है कंटिन्यू लगा है, तो उसकी वजह से जो बाकी चीज़ों पे अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि AI मार्केट का मेन फोकस क्या है फ्रेंड्स, वो है विड्रॉल, तो इसलिए जो है बाकी मतलब चीज़ों पर भी वो अफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर मैं बोल दूँ, जिसको अभी तक जीरो सेल प्रॉब्लम नहीं आई है और उसको अब आने लगी है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उसका मतलब अपडेटिंग का काम उसकी आईडी पे स्टार्ट होगा तो उसको जीरो सेल प्रॉब्लम दिखाएगा, लेकिन जैसे ही एंड होगा तो उसकी जो एक्चुअल सेल है वो वहां पर दिखा देगा। जैसे पहले भी बहुत से लोग परेशान हो गए थे कि जीरो सेल दिखा रहा है, और जैसे ही मतलब फिर वो अपडेट हो गया था, तो आपका जो एक्चुअल डाटा था वो सामने निकल कर आ गया था। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि जो एक्चुअल डाटा तब आएगा जब आपकी आईडी जो है पूरी कंप्लीट अपडेट हो जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको अभी दिखा रहा है कि मतलब फिर से जीरो सेल, वो कुछ दिनों में हो जाएगा ठीक, क्योंकि वो डाटा अपडेटिंग का काम नहीं है, वो अपडेट नहीं आया, जैसे मतलब हम बोलते हैं ना वो अपडेट हमने नहीं दिया यहां से कि अभी क्या अपडेट चल रहा है, तो वो अपडेट है ना कि उसकी आईडी पे अपडेटिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट, तो वो अपडेट नहीं मिला है डाटा, मतलब डाटा उन्होंने अपडेट नहीं किया। जैसे हम दिन को अटेंडेंस लगाते हैं मतलब स्टूडेंट्स की, और शाम को हम वो देते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, तो हम जो इस तरह का वो काम है कि मतलब वो अपडेट नहीं हुआ है वहां से, तो वो अपडेट हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको न्यू जीरो सेल प्रॉब्लम आ रही है तो उसको थोड़ा चलने वाला है, क्योंकि मैंने बोला जिसकी आईडी पे नहीं आया है उसको आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम तो अभी समझ आ गई होगी कि जीरो सेल प्रॉब्लम किसको आएगी, और किस जिसको आ चुकी है एक बार उसको नहीं आएगी फिर से, अभी अपडेट नहीं हुआ है मतलब डाटा,
तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके अलावा ये मैंने आपको दिखा दिया, मैंने वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको दिया था ये। और सबसे रिक्वेस्ट है वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स के, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पर आपको इंस्टेंट अपडेट मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सी, मतलब बहुत से सीनियर लोग हैं, मैं उनका स्पेशली हर वीडियो में थैंक्स करता हूँ, अभी भी थैंक यू कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव गाइड कर रहे हैं लोगों को। तो उनका मैं फिर से दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। आप ऐसे ही मतलब काम करते हो, और स्पेशली आज के दिन में, क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसलिए मैं थोड़ा आज उतना एक्टिव नहीं था मतलब टेलीग्राम पे, क्योंकि मेरे पेपर हैं 2-4 दिन के बाद, 23 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मतलब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, तो मतलब थोड़ा टफ टाइम है अभी, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, अभी रात के 1 बजे मैं वीडियो मतलब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी उनको हम यहाँ पर मतलब वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। जो वहाँ पर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा वो यहाँ पर मैं 100% क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। सबसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, आपके लिए फायदेमंद है टेलीग्राम में ज्वाइन होना। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा लोगों ने यहां पर क्वेश्चन पूछे थे कि सॉरी यहां पर मतलब कि टॉपअप हम करें या नहीं करें, हम टॉपअप करें या री टॉपअप करें। देखिए यहां पर ये बहुत बड़ी बात है कि लोग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो टॉपअप कर रहे हैं और कुछ लोग री टॉपअप कर रहे हैं। तो क्या आपको टॉपअप करना है या री टॉपअप करना है, ये यहां पर मैं क्लियर कर दूं। टॉपअप मीन्स होता है कि आपने अपने अकाउंट से उसमें पैसे डालने हैं। तो अभी मैं यहां पर ये बोलना चाहता हूं अपनी तरफ से कि अभी टॉपअप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखिए पहले ही एयरबर्ट में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो उनका जो है मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर रखा है तो मतलब वही उनका अभी अपडेट नहीं हो रहा अच्छे से। तो लोगों के टॉपअप करने से क्या है कि उस पर फिर से दिक्कत आ रही है, मतलब वो होता है ना काम लंबा होता जा रहा है। मतलब हम बोलते हैं ना कोई चीज़ अगर 50 kg का ही वेट उठा सकती है तो उसको हम फिर से ऊपर वेट डाल रहे हैं, मतलब अभी वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा ही रहा है तो हम उसको लोड यहाँ से डाल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है उसी को मतलब होता है टाइम और लग रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला एएमआर में इतना ट्रैफिक है, इस टाइम भी कुछ लोग तो इसको बोल रहे हैं कि ये 1000% स्कैम है, और कुछ लोगों को इतना ट्रस्ट है कि वो अभी भी टॉपअप कर रहे हैं। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप टॉपअप नहीं करो, इसमें मतलब ट्रस्ट नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप टॉपअप नहीं करेंगे लोग यहाँ पर, तो इससे क्या होगा एआई मार्केटिंग का जो काम है वो थोड़ा फास्ट होगा, और टॉपअप करने से क्या उसके उनके सॉफ्टवेयर पे फिर से लोड पड़ता है और मतलब उनको फिर से दिक्कत आती है। हाँ जिन लोगों ने मतलब ऑलरेडी उसमें पैसा है वो री टॉपअप कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं सबको बोलता हूँ कि री टॉपअप करो, मतलब जो आपका पैसा वहीं पर है उसको वहीं पर री टॉपअप करो, बिना किसी को पूछे मांगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, वहाँ पर टॉपअप री टॉपअप करते रहो। लेकिन ना तो कोई मेरी यहाँ पर स्पेशल सबसे रिक्वेस्ट है कि ना अभी आपकी जितनी भी टीम है, जिन लोगों का आपने बोल के रखा, मेरे को भी बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने रजिस्टर करना है, हमने टॉपअप करना है इसमें, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी तरफ से, बाकी आगे आपकी आगे अपनी मर्जी है कि आप क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन इससे क्या हमें दिक्कत होगी अगर आप अभी न्यू ज्वाइनिंग कराओगे, न्यू लोगों से टॉपअप कराओगे फ्रेंड्स। स्पेशली मैं आप यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि देखिए न्यू ज्वाइनिंग हमें अभी नहीं करनी है, हमारी जो न्यू ज्वाइनिंग हमारी टीम है जिसको हमने बोल के रखा है, जो आपको आपके समझ आना चाहता है, उसको अपडेट रखो, उसको ये मतलब जो भी वीडियो आती है उसको दिखाओ कि क्या चल रहा है, मतलब उसके साथ सच्चाई रखो कि ऐसे हो रहा है, मतलब ये सब प्रॉब्लम आ रही है और ये कब तक ठीक होगी, ताकि उसको होता है ना एक बेसिक नॉलेज मिल जाए, ताकि आपका मेंबर जब आगे टीम बढ़ाएगा तो उससे आपका ही फायदा होगा, क्योंकि वो भी पूरा मतलब उसको फुल नॉलेज होगा कि एएमआर में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके पास फुल नॉलेज होगा तो वो उससे आगे और बढ़ा सकता है अपनी टीम को। जब आप उससे मतलब वो आपकी आईडी से ज्वाइन करेगा, वो आगे और बढ़ाएगा, तो इससे क्या होगा उसका भी नॉलेज होगा। अगर वो नया नया ज्वाइन करेगा तो उसको उतना पता नहीं रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इससे क्या करना है, आपने अपनी टीम को तैयार रखना है, लेकिन अभी टॉपअप नहीं करना है और ना ही न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है फ्रेंड्स। तो बाकी आपकी मतलब मर्जी है, मेरी तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप टॉपअप कर रहे हो या आपका पैसा ले जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने करा रखा है वो तो मतलब वो भी इंसान है, लाखों के हिसाब से है, जिन लोगों ने करा रखा है जिनका पैसा वहीं पे है वो तो वहीं पे, उनको रीटॉपअप करने की मतलब उनको तो करना ही करना है रीटॉप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग अभी क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस पर, ना ही नेगेटिव लोगों की तरफ ध्यान देना है। बोलते हैं ना लाइफ में एक अपना मकसद होना चाहिए, उस मकसद पे अपने एम पे फोकस रखो, मंजिल का पता होना चाहिए, मंजिल मेरी क्या है, तो रास्ते आपको बहुत मिल जाएंगे, भटकने वाले भी और सही भी। आपने अपनी मंजिल पर ध्यान रखना है, रास्ते जैसे हो वैसे हो, रास्ता बंदा चुनी लेता है, मतलब रास्ता क्रॉस कर ही देता है, चाहे रास्ता जैसा भी हो, रास्ते में कांटे भी आते हैं और फूल भी आते हैं, अपना रास्ता नहीं देखना है, अपने मंजिल को नजर रखनी है, रास्ते जैसे भी मिले हमने मंजिल पे देखना है। हमने एआई मार्केटिंग से पैसे कमाने हैं, ना ही हमने सिर्फ विड्रावल ही नहीं लेना है, हमने इसके आगे बहुत पैसे कमाने हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, ना कि ये ध्यान में रखो आपने हमारा विड्रावल आएगा तो बात खत्म, ये ध्यान में रखो कि हमारा फ्यूचर कितना इससे आगे जा सकता है और हम फ्यूचर में कितने पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड्स मंजिल पर ध्यान दो, रास्ते तो आपको बहुत मिलेंगे, सही भी मिलेंगे गलत भी मिलेंगे, तो
तो बोलते हैं ना, एक मंजिल का रास्ता जो है वो आपको बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन हमारी मंजिल सही होनी चाहिए। हमारी मंजिल क्या है, हमारा असली एम क्या है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। तभी जाके हम एक क्लियर विजन होना चाहिए कि हम किस रास्ते पे हमने जाना है और हमारा लाइफ का मकसद क्या है। तो किसी भी चीज़ को करते हो उसके पीछे बोलते हैं ना एक क्लियर विजन होना चाहिए कि हम इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो जो भी काम लाइफ में करते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, उसमें मतलब होता है ना वो डबल डाउट डबल माइंड मत रहो। जैसे अभी मैंने देखा बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यार ये स्कैम है, वो है, ये सही नहीं है, ये विड्रॉल नहीं देगी, ये हमें मतलब पता नहीं क्या क्या बहुत गलत गलत कमेंट करते हैं, वो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा अब। लेकिन होता है ना बहुत नेगेटिव जा रहे हैं, लेकिन वो लोगों का मतलब विजन ही क्लियर नहीं, वो तब भी वीडियो देखते हैं। मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट वीडियो में, मतलब क्या करते हैं लोग, उनको अपनी लाइफ का पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो अगर हमें पता है कि हमने वहाँ पे जाना है, मतलब किसी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमने इसको करना है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को वो काम करना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो फिर भी उस रास्ते पे भटक रहा है उधर इधर इधर उधर, अगर उसको जाना ही नहीं है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे भटक क्यों रहा है, तो कहीं और चले जाए। तो सिंपल मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव बातें मत फैलाओ लोगों के बीच में। होता है ना एक स्कैम टाइप का जो लोग ये कर रहे हैं, ये मतलब खुद तो उनको पता नहीं अपनी लाइफ का, लेकिन दूसरों को भी मतलब वो दिक्कत में परेशान करते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। इसके अलावा बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो होता है ना वो कभी कुछ बोलेंगे, उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हम बात करें रोबोट की, ऐसे आपको पता ही कि रोबोट ने 19, 20 और 21 जो 22 का इनका मतलब उसने फंड उठा लिया है। यहाँ पर अभी थोड़ा मतलब एक एक दिन का ही उठा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 दिन के बाद में जो है इसकी स्पीड फिर से बढ़ने वाली है। मतलब ये 2 दिन का डबल उठाना स्टार्ट कर देगा 1-2 दिन के अंदर। तो जो भी स्टेटस रहेगा वो हम आपको यहाँ पर बोलेंगे कि क्या कुछ रहता है। अभी स्टार्ट किया है 19, 20, 21, 22 का इसने उठाया है। अभी 25 का जो है एक्चुअल डिले इसका चल रहा है, अगर हम देखें तो इसका ऐसे 27 डेज का जो है वो डिले चल रहा है, लेकिन एक्चुअल डिले जो है वो 25 डेज का। आपको हुआ कि 48 और जो है वो स्टार्ट होने में लेता है, तो 25 जो डे है ये कितने दिन में कवर करता है ये हम देखते हैं आगे आगे। और मुझे लगता है कि आगे जो है ये 2-2 दिन का फंड उठाना स्टार्ट कर देगा 1 दिन में, और इससे भी ये मतलब बढ़ सकता है, इससे भी तेज आगे कर सकता है, वो हम देखेंगे क्या होता है। तो 25 को जो है अभी एक्चुअल डिले है, सबको पता होना चाहिए कि कितना डिले अभी चल रहा है। एक्चुअल डिले जो है वो 25 दिन का है डेज। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो है विड्रॉवल के बाद। जो हमें लोग रोज पूछते हैं कि विड्रॉवल कब आएगा, और मैं उनको हर वीडियो में मतलब ये बोलता हूँ कि अभी कौन सी कंडीशन है विड्रॉवल आने की। देखिए जून में जो 21 को मीटिंग होने वाली है वहाँ तक विड्रॉवल 100% नहीं आने वाला है। हाँ मीटिंग जिस दिन होगी उस दिन में भी अनाउंस हो सकती है, डेट के जून के लास्ट में ही हो सकता है, या कौन सी डेट हमें वो दे सकते हैं वो मीटिंग पे डिपेंड करता है कि क्या कुछ मीटिंग में निकल कर आएगा। लेकिन मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आएगा वो अलग बात है, वो हमें जून में बोल सकते हैं। लेकिन मीटिंग के अलावा भी हमें पता है कि जुलाई में हमारा विड्रॉवल जो है वो मतलब ऑलमोस्ट आ जाएगा, जुलाई 20 तक या जुलाई लास्ट तक। लेकिन अभी जो मेन है वो है 21 को जो मीटिंग होने वाली है, उसमें जो वो डेट देंगे या जो कुछ भी बोलेंगे उससे हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 21 को जो मीटिंग होगी उससे हमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि विड्रॉवल जो है कितने दिनों में आने वाला है और क्या कुछ इसका अभी चल रहा है, कितना काम कंप्लीट हुआ है डाटा बिट का और कितना बाकी है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा जो डबल सेल है वो अभी डबल सेल प्रॉब्लम जो है वो चल ही रही है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे ही मीटिंग होती है तो इसका भी कोई सोल्यूशन आ जाएगा। इसमें देखिए दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, मैंने पहले आपको बोला AI मार्केट में जो है न्यू टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत लंबी चलने वाली है, लाइफ टाइम के लिए है, बहुत ज़्यादा इसमें हम पैसे कमाने वाला, बहुत सही फ्यूचर है। तो प्रॉब्लम आती रहेगी, प्रॉब्लम जाती रहेगी, बोलता है ना वो मैंने आपको पहले ही बोला ना मंजिल का पता होना चाहिए। रास्ते में आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी और जाएंगी, तो रास्ते पे ध्यान नहीं दो, मतलब रास्ते में जो कुछ आता है वो आपने उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहना है और आपने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, जो भी आप काम करते हो अपनी आपके टारगेट जो है आपका फोकस अपने टारगेट पे होना चाहिए, ना कि आपके रास्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस चीज़ पर अपने ध्यान नहीं देना है। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं दिल्ली कैसे पहुंचूं, ये नहीं कि अब मतलब मैं रास्ता देखूं यहाँ से है वहाँ से आपने ट्रेन में चढ़ना है और फिर ट्रेन जहाँ जहाँ से जाए आपने दिल्ली आपका मकसद है, मैंने वहाँ से वहाँ जाना है, तो आपका मकसद होना चाहिए मेरा टारगेट क्या है। तो आपने अपने टारगेट पे ध्यान रखना है, ना कि आपके रास्ते में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप उन प्रॉब्लम के बीच में उन पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप अपनी मंजिल को तय नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में जो भी करते हो अपना जो आपका एम होता है हमारा उस पर फोकस होना चाहिए। ये चाहे कोई कुछ भी करते हो, चाहे कोई स्टडी करता है या कोई भी एक बंदा जॉब करता है, उसका एक फोकस होता है कि मैं जॉब से पैसे कमाऊंगे, मैंने क्या उनका करना है, मैंने अपने मतलब मकान बनाना है, कैसे मैंने अपनी फैमिली के साथ मतलब स्पेंड करना है टाइम, एक होता है ना एक लाइफ का एक एम होता है, मैंने अपनी फैमिली में कैसे रहना है क्या करना है, तो वो एक एम क्लियर होना चाहिए। वरना हर कोई मतलब लाइफ जीता है लेकिन लाइफ जीने के कुछ उसूल होते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, वो उसूल होते हैं। वरना लाइफ तो हर एक जी लेता है, कोई सही से जीता है कोई बुरे से जीता है, और उस अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क होता है,
मतलब कोई अच्छे से जीता है उसमें, वो कैसे अच्छे से जीता है, और किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, तो वो आपने देखना है खुद। और उसके बाद जो 21 को मीटिंग होने वाली है वो हम देखते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा सामने, तो हम आपसे वहाँ पर बोल देंगे। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बोला है कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर हम 10 लोगों को अपनी तरफ से लकी गिफ्ट मतलब लकी विनर अनाउंस करेंगे जिस दिन हमारा विड्रॉल आएगा। तो कौन कौन से होंगे आपको भी वो मौका मिल सकता है अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है ज्वाइन हो जाओ, आप भी हमारे लकी विनर बन सकते हो। जिस दिन विड्रॉल आएगा 10 लोग हमारी तरफ से लकी विनर चुने जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसके अलावा अगर आप सबसे अगर आपने हमें तक अभी इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो कीजिए और नीचे टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज ज्वाइन हो जाए। और मतलब ट्विटर की भी लिंक दी है वहां पर, उसे भी फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ फ्रेंड। तो सबसे रिक्वेस्ट है ट्विटर पे प्लीज फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा होने वाला है हमारा नहीं। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी अगर आपको OTP वगैरह इस तरह का कुछ मांगता है तो उससे बचना, किसी भी मतलब अननोन पर्सन को अपना OTP शेयर करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और अपने फ़ोन को हमेशा लॉक रखो, चाहे कहीं पर भी फ़ोन छोड़ के जा रहे हो तो उसको लॉक एक रखो, ताकि कोई आपके फ़ोन से इंपॉर्टेंट डाटा ना चुरा ले या कुछ भी मतलब आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आपके फ़ोन में हो सकती है तो वो कोई ना ले जाए। इसके अलावा जो जिससे भी आपको वीडियो लगी तो नीचे वीडियो की लास्ट में फीडबैक देना ना भूलिए फ्रेंड्स। इसके अलावा जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू वंस अगेन।